एक्सप्रेस न्यूज। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती अपने घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके गांव में रहने वाला व्यक्ति नाबालिग के घर में घुस गया और उसकी अस्मत को तार तार करते हुए उसके साथ बलात्कार की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। नाबालिग ने कई मरतबा उस वहशी व्यक्ति के चंगुल से अपने आप को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन अंत में मासूम अपनी हिम्मत हार गई और अपनी आबरू गवा बैठी। वहीं हवस का लुटेरा पीड़िता की अस्मत को तार तार करने के बाद उसे डरा धमका कर मौके से भागने में भी कामयाब रहा। जब पीड़िता की मां घर पर वापस आई तो बेटी को बेसुध हालत में देखकर दंग रह गई। जब मां ने बेटी को उसकी इस अवस्था के बारे में पूछा तो पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी और अपनी आपबीती अपनी माँ को सुनाई। धीरे धीरे उसके घर पर रिश्तेदारों का तांता लग गया और सब लोग एकत्र होकर थाने पहुंचे। मामले में पीड़िता की मां की ओर से आरोपी के विरुद्ध 376 IPC और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के मुताबिक कैमरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ उसके ही गांव के एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना को उस समय अंजाम दिया गया जब वह अपने घर पर अकेली थी। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कैमरी थाने के अंतर्गत नानकार गांव में ये तहरीर प्राप्त हुई है थाने पर, जिसमें मुकदमा लिखा गया है 376 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये 16-17 वर्ष की लड़की है और एक लड़के के द्वारा इसके साथ रेप की घटना की गई, जिसके संबंध में इसकी मां की तरफ से मुकदमा लिखवाया गया है। मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए। हाँ, ये इसी के घर का ही नानकार में इसका घर है गांव में, और उसी के घर में ये बलात्कार। तो घर में अकेली थी? हाँ, घर में अकेली थी, माँ भी काम करती है तो ये घर में अकेली थी।